वेल हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे? आई सब के सब बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं, और नहीं भी हैं, क्योंकि हमारा तान तक पहुंच गया है राग। मतलब क्लास में तान तक पहुंच चुके हैं हम, और अभी तक हमारा महादेव ही क्लियर नहीं हो रहा है। महादेव एवा, इतना तो सही है, बट सर ने बोल तान कराई है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गाना होता है, मैंने बताई है पहले, तो वही नहीं हो पा रहा। मतलब माइंड से निकल जाता है वो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। और अभी जो भी हो यार, चलो हमारी वोकल एक्सरसाइज तो हो गई, डंडरा डंडन। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, बॉडी वाली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। चलो। 6.5 hours later वेल गाइस, यार आज अरे मेरा फ़ोन बहुत लैग हो रहा है। हाँ अरे यार, MI के फ़ोन अच्छे हैं, बट ना बहुत ग्लिची हैं, पता नहीं क्यों। मतलब प्रोसेसर भी अच्छा है, स्पीड में भी अच्छे हैं, और प्रोसेसिंग जो मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग और वीडियो एडिटिंग होती है, इनकोडिंग विनकोडिंग, उसमें भी अच्छे हैं, बट ना ग्लिची बहुत है, ना जाने इतना ग्लिच क्यों है इनके अंदर। बट जो भी यार, देखो मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि कहाँ से उठ के आ रहा है। हाँ भाई, हम सो रखे थे आज, हमने कुछ नहीं किया है, बस सुबह अच्छी सी प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइज किया, खाना पीना खा के एडिटिंग करके टपक गए हम। और अब हम सोच रहे हैं हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो इसलिए भाई अब हम खाएंगे ये। चलिए, कंटेंट की कमी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए फुलफिल इसी से करते हैं। चलिए वैसे एक बेइज्जती वाली बात बताऊँ, मुझे कप नूडल्स बनाने आते नहीं है, तो मैंने बस मजे मजे में से गैस पे चढ़ा तो दिया, बट मुझे पता नहीं है कितना गर्म करना है, कितना डालना है। और मैंने इसमें देखा, और इसमें ना पता भी नहीं चल रहा कि मतलब इसका वो पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ से मतलब इसका वाला पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे पानी को मतलब जितना पानी डालना होता है, एक वो बना होता है ना रो, कि इतने रो तक डालना है। मुझे तो यही लग रहा है भाई, ये जो लाइन बनी हुई है येल्लो येल्लो। भाई सब देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे खाने में शायद से अच्छा हो, देखते हैं। मुझे तो लगा कि एक्सपायर हो गया, बट एक्सपायर तो 2023 तक का है। और इन्होंने कहा था कि फोक इनसाइड, बट यहाँ पे मुझे तो कोई फोक नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या सीन है यार। आई थिंक इतना पानी सही है, बट इसमें कितना भरना है ये बढ़िया है। 3 मिनट वेट करना है अब। मुझे लिटरली नहीं पता इसका क्या होने वाला है भाई। भाई हल्ले को ज़रा इग्नोर करो, और ये हो गया है, और हाँ भाई ये गर्म हो रहा है, इसको किसी चीज़ में रखता हूँ। एक बैड न्यूज़ दूँ, कप नूडल के ऊपर ही लिखा हुआ था फोक इनसाइड, और मुझे कहीं नहीं मिला। आई विश कि उसका भी कचुम्बर ना निकला हो गर्म पानी के साथ। यार मुझे पता है कि हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है, सॉरी, बट यार ये देखने में तो भाई साहब बड़ा सही सा लग रहा है यार। आई थिंक मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, बट जो भी हो यार देखने में बड़ा मस्त लग रहा है। आई विश खाने में भी अच्छा हो, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसके रिव्यू मिक्स्ड रिव्यू थे, किसी को तो बहुत पसंद आया, और किसी को ये इतना घटिया लगा कि उसने यही बोला कि भाई क्या कर रहा है यार तू, क्या कर रहा है यार तू। तो इसलिए मेरे को तो इससे उम्मीदें लग रही है थोड़ी अच्छी वाली, मैं ट्राई करना चाहूँगा इसको अभी क्या अभी। एक और बार नॉस्टैल्जिक टेस्ट। मैंने कभी कप नूडल्स खाए नहीं है, बचपन में एक बार खाया था 10 रुपए का मैगी कप नूडल्स, जो कि बिल्कुल इसी की तरह टेस्ट करता था। हैरान किया दिया कि वो वेजिटेरियन था और ये नॉन वेज है, ये चिकन वाला है, बट स्टिल कप नूडल जैसा ही टेस्ट कर रहा है। और इसको खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता है मुझे 2 दिन कप नूडल और ट्राई करने चाहिए, क्योंकि शायद से सब सेम ही टेस्ट करते हैं, पता नहीं भाई क्या सीन है। बट जो भी हो खाते भाई मज़े करते हैं। मैं सोच रहा हूँ उसके साथ थोड़ा कैचअप ऐड करके देखूँ, करते हैं। अरे यार ये फिर से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा डिप लेंगे, थोड़ा सा डिप, बाहर आ जाओ, थोड़ा सा डिप, बस ट्राई करते हैं।
यही है मिसिंग इंग्रेडिएंट। मिसिंग इंग्रेडिएंट यही है भाई, टमाटो केचप के साथ बेस्ट है। अब बस मुझे खाने दो चैन से। चलो यार, मैं तो बस इतना। अरे भाई बाल मेरे। हाँ तो यार देखो, मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैंने आज खा लिया, अगली बार से कभी नहीं खाऊँगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं थे, अच्छे थे, सॉस डालने के बाद तो मज़ा ही आ गया, बट मेरे मेरे टाइप का नहीं है। मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा लगता है कप नूडल मेरे टाइप के हैं ही नहीं, चाहे मैं कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ। इसलिए मैंने सोचा आगे से नहीं खाऊंगा। रेटिंग दूँ इसे तो ये 10 में से 4 रेटिंग दूंगा, और अपना सॉस ऐड करने के बाद इसे मैं 7 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि सॉस के बाद तो ये मज़ेदार हो गया था। पर जो भी यार, मुझे इतना भाया नहीं हमेशा की तरह। तो चलो अब काम धंधे पे लगते हैं, बहुत हो गया खाना पीना।